चलिए शुरू कराइए। लाल कास्ट्यूम में का मालू कर्नाटका के पहलवान और नीले में चेतन गुजरात के बीच मुकाबला 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल। देखिए काला जंग से बोलते काला जंग दाव जो अभी लाल का राहुल काला जंग मार अभिनव चार ले लिया और जो बच्चा आय कर राहुल 4-0 का स्कोर लाल के 4 रंग नीले के 0। जो एक स्कूल के बच्चे देख रहे हैं उनको मैं अभी इस कुश्ती के बारे में बताऊंगा कब कहां कौन अंक होता है उनकी जागरूकता होगी कब अंक बनता है। तो मैं अभी देखो काला जंग इसे बोलते हैं काला जंग मार के 4 अंक पूरा ले लिया डेंजर में होते हुए अब 8-0 हो गया। अगर 2 अंक और ले लेगा तो कुश्ती समय से पहले खत्म हो जाएगी। और बता दो कुश्ती 2 स्थिति में समय से पहले खत्म हो जाती है चाहे एक पहलवान दूसरे पहलवान को चित कर ले। जैसे आपने पीछे देखा दोनों कंधे उसके मैट पे सड़ जाएंगे जैसा आप अखाड़े में देखते होंगे दंगलों में देखते होंगे तो वो कुश्ती समय से पहले खत्म हो जाएगी या दोनों पहलवानों के बीच में 10 पॉइंट का अंतर हो जाएगा तो कुश्ती समय से पहले खत्म हो जाएगी। नहीं तो पूरे 6 मिनट कुश्ती चलेगी 3-3 मिनट के 2 राउंड होते हैं 3 मिनट 30 सेकंड रेस्ट फिर 3 मिनट कुल 6 मिनट इसका अंक अधिक होगा वो पहलवान विजयी होगा। और इस मैट के बारे में आपको बता दूं ये जो मैट है ये 12x12 मीटर के और देखिए डायरेक्ट 4 अंक हासिल कर लिया और ये टेक्निकल फाउल हो गया दोनों के बीच में 10 पॉइंट से अधिक अंतर हो गया। इसमें रेड कास्ट्यूम के पहलवान कालू कर्नाटक का विजयी हुए और इन्होंने अगले चक्र में प्रवेश किया अपना। अब आ जाएंगे वेद कुमार छत्तीसगढ़ रेड कास्ट्यूम में आएंगे अविश उत्तराखंड ब्लू कास्ट्यूम। वेद कुमार छत्तीसगढ़ रेड कास्ट्यूम अविश उत्तराखंड ब्लू कास्ट्यूम अदनान केरला अपना आई कार्ड ले जाए सर अदनान केरला अपना आई कार्ड ले जाए